अगर आपका अकाउंट बैलेंस जीरो है तो भी आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे ये लाभ कौन उठा सकता है। अगर आप नया बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो ये ज़रूर पूछें कि क्या आपका उस पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है। अगर आपका खाता पहले से है तो भी इसके बारे में आपने बैंक से पता करें। ओवरड्राफ्ट या ओडी की फैसिलिटी आपको मुसीबत के समय बड़े काम आ सकती है। जिन लोगों के पास जनधन खाता है उन्हें ये सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा क्या होती है और कैसे मिलती है, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है जो बैंक आपको ऑफर करता है। हालांकि इसकी खास बात यह है कि इसके लिए आपको बैंक जाकर फॉर्म भरने या इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ओडी की सुविधा आपको तुरंत मिलती है। आप किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि पहले से तय होता है कि आपको कितने रुपए मिलेंगे। हर बैंक ओडी की रकम अलग अलग तय करता है। मसलन अगर किसी के पास जनधन खाता है तो उसे ओडी के तहत 10,000 रुपये मिल सकते हैं। वह शख्स ये पैसा सीधा एटीएम से निकाल सकता है। ओवरड्राफ्ट के तहत पैसा लेने के लिए आपके अकाउंट में पैसा रहने की जरूरत नहीं है। अगर जनधन खाते वाले व्यक्ति के अकाउंट में बैलेंस शून्य है तो भी वह 10,000 रुपये निकाल सकता है। उसे फिर ये रकम ब्याज के साथ वापस लौटानी होती है। गौरतलब है कि ओडी केवल 10,000 रुपये तक का ही नहीं होता, कई बैंक इससे ज्यादा का भी ओडी अकाउंट देते हैं। लेकिन उन अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का भी ध्यान रखना होगा। जनधन खाते पर मिलने वाले ओडी के लिए ब्याज 2 से 12% तक हो सकता है। यह अलग अलग बैंकों पर निर्भर करेगा, लेकिन ब्याज 12% से ऊपर नहीं होगा। अगर किसी भी बैंक के ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 50,000 रुपये की है और ग्राहक ने उसमें से 10,000 रुपये निकाले हैं तो ब्याज केवल 10,000 रुपये पर ही लगेगा, ना कि 50,000 रुपये पर। ओवरड्राफ्ट का इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में ही करें।